हेलो फ्रेंड्स, विश यू वेरी गुड मॉर्निंग। दिस आयुष जोशी ऑन द चैनल ऑफ अचीव आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली हमारे दिन की शुरुआत करते हैं द हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस से, है ना। सो हम डेली बेसिस पे द हिंदू का हिंदी में एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। मैं डिकोड करने की कोशिश करती हूँ, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि उस एडिटोरियल में क्या है, ठीक है। सो टुडे इज़ 23 अप्रैल 2020 एंड इट इज़ थर्सडे टुडे। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे। आज का हमारा जो कंटेंट रहेगा उसके अंदर हम जो टॉपिक्स लेने वाले हैं वो है स्क्रिप्ट ऑफ यूनिटी, एक्सप्लॉइटिंग पेंडेमिक, द विलेज इज स्टिल रिलेवेंट, अ टाइम फॉर प्लेनेटरी सॉलिडेटरी एंड देयर मे बी नो गोइंग बैक। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे, ये कंटेंट रहेगा आज का हमारा। ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेरिंग फॉर UPSC एंड जो प्रिलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। और ऐसा ही इसी तरीके से ये जो स्ट्रैटेजी हम फॉलो कर रहे हैं इनको समझने की, ये आंसर राइटिंग मेंस में भी यूज़फुल रहेगी, ठीक है। तो इन टॉपिक्स के द्वारा हम क्या क्या एरिया कवर करेंगे, तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि हमारा एक प्रॉपर वर्ड है, दैट इज़ सेक्युलरिज्म, जिसके अंदर रिलीजन और यूनिटी की बात की कही जाती है। तो उसे कवर करेंगे हम, उसे समझने की कोशिश करेंगे। अदर देन दिस, इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि अमेरिका में रिसेंटली अपनाई गई है, दैट इज़ इमिग्रेशन पॉलिसी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा एक इनोवेशन और स्टेप जो हम पोस्ट इस लॉकडाउन के दौरान उठा सकते हैं और अपने जो ग्लोबल लेवल पे हम कुछ इनोवेशंस कर सकते हैं, कुछ अलग डिफरेंट कुछ कर सकते हैं, जिससे कि हम ये शो कर सकें कि इस पेंडेमिक के दौरान भी हमने बहुत कुछ इनोवेटिव किया है ना। तो और बहुत जो इस पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया है जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, तो वो सारे टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो लॉकडाउन के इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, हमें पोस्ट लॉकडाउन जो है इफ़ेक्ट्स चाइना के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं कि लॉकडाउन्स 2 मंथ्स के आइसोलेशन के बाद जब वापस रीओपन हुआ तब भी वहाँ आज क्या कंडीशन है, तो उसके इफ़ेक्ट से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरे साथ डेली सुबह मुझे ज्वाइन करने के लिए और मेरे साथ में इस हिंदू द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन को समझने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। आपके जो सपोर्टिव कमेंट्स, आपके सपोर्टिव लाइक्स एंड व्यूज़ मुझे, मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि वो मुझे बूस्ट अप करते हैं, मुझे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग मुझसे कनेक्टेड हैं और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप मुझे देख रहे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं, है ना। सो मेरी कही हुई बातें, मेरी समझाई हुई चीज़ें कहीं ना कहीं आपके काम आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है डेफिनेटली। एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी बाय एवरी डे एवरी मॉर्निंग, ओके। सो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। सो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन का स्क्रिप्ट ऑफ यूनिटी। क्या है ये? तो देखिए, द वायरस नोज, वायरस जो है वो कोई कास्ट, कोई क्रीड, आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, किस मज़हब से हैं, ये सारी चीज़ों से वायरस को कोई लेना देना नहीं है। बट फिर भी इस वायरस के दौरान ये वायरस हमारे बीच में एक सामाजिक पक्षपात को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। कैसे कर रहा है, इसके ज़िम्मेदार कौन है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको ये रिमाइंड करवाने की कोशिश की है, हमें ये चीज़ बताने की कोशिश की है जो हम भूल गए हैं, कि इस पेंडेमिक का मतलब COVID-19 जो वायरस है, इसका कोई रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज या बॉर्डर से कोई लेना देना नहीं है, है ना। लेकिन फिर भी हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये सब चीज़ें भी हमारे हर क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट है। ये पेंडेमिक जो है इसने आग जो है उस लौ को जलाने का कार्य किया है, उस लौ को और भी आग हवा देने का काम किया है, जो कि ऑलरेडी हमारे हम कह सकते हैं हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छी मात्रा में फैली हुई थी। कम्युनलिज्म जो स्प्रेड हो रखा था उसे बुझाने की जगह इस पेंडेमिक ने उसे
आग देने का काम कर दिया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहे हैं हम लोग, बहुत सारे इकोनॉमिक वोज वोज मतलब संकट, बहुत सारे संकट को हम ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं। तो इन संकट से उभरने से अच्छा था कि हम लोग मतलब इन संकटों से उभरना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, ना कि कम्युनलिज्म और इन सारी चीज़ें जो कास्टिज्म और जो बहुत बड़े बड़े मुद्दे अभी देखने को मिल रहे हैं उन सब में उलझना, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कोशिश की है हमें समझाने की कि ये जो गुस्सा है वायरस का, ये हमारे लिए नुकसानदेह है ना। रिस्पॉन्स एंड कंडक्ट के फॉर्मूला को बताया कि रिस्पॉन्स और कंडक्ट को कॉल करता है ये फॉर्मूला को, दैट शुड अटैच प्राइमेसी टू यूनिटी एंड ब्रदरहुड। अभी ये जो टाइम है, ये नरेंद्र मोदी जी ने हमें बताया, संबोधित किया कि ये जो टाइम है ये एक टाइम ऐसा है जिसमें हमें अटैच होने की, हमें एकजुट होने की, हमें सौहार्द की भावना से कार्य करने की, भाईचारे से कार्य करने की ज़रूरत है, ना कि हम लोग इस सारे दौर को या वायरस को यूज़ लें मज़हब पक्षपात या रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंस करने में, या फिर अपने क्रोध को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, ही कैन नॉट बी मोर राइट अबाउट द फैक्ट दैट कंट्रीज एंड सोसाइटी कैन नो लॉन्गर अफोर्ड टू फेस ऑफ विथ वन अनादर एंड द फ्यूचर कैन बी सिक्योर्ड ओनली थ्रू टुगेदरनेस एंड रिजाइलेंस। तो मैं आपको बता दूं कि आप जितने ज़्यादा एकजुट होकर रहेंगे, जितना ज़्यादा लचीलापन रहेगा आप में, तभी आप अपने देश को बचा सकते हैं। इस तरीके से जो हरकतें की जा रही है, जो चीज़ें की जा रही है, उनको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सोसाइटी या हमारी कंट्री किसी भी लेवल पे बच सकती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम बहुत बड़ी जनसंख्या एक छोटे से एरिया में रहती है, और उसे हमें जो है बचाने के लिए पेंडेमिक से सरकार द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, और ये सारे कदम कहीं ना कहीं हम लोगों को इस पेंडेमिक से बचाने के लिए ही उठाए जा रहे हैं। और इन सारे कदमों को उठाने के लिए, ये सारे स्टेप्स लेने के लिए सरकार को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही है और बहुत सारे एफर्ट्स लगा रही है सरकार अपने। लेकिन हम कुछ इडियोटिक हरकतें करके, कुछ इडियोटिक लोगों द्वारा कुछ इडियोटिक हरकतें करके इस पेंडेमिक को ये बताया जा रहा है, इस वायरस को हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या आपसे ज़्यादा पावरफुल हमारा रिलीजनिज्म, कास्टिज्म और ये सारी जो हमारी भावनाएं हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये जो टाइम है, ये टाइम ऐसा है जिस समय हमें लंबे समय तक अगर चलना है एकजुट होकर, तो उसके लिए हमें एक साथ आना होगा और इस कष्ट का समाधान ढूंढना होगा। इस मजहब, जाति, इन सब से ऊपर उठ के या पक्षपात करने से बेहतर है हमें इन सारे क्रोध को छोड़कर, इन सबको किनारे लगाकर एक नया दौर शुरू करना होगा जिसके अंदर हम एकजुट होकर इस पैंडेमिक से लड़ सकें। ही स्पोक अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ द अपेरेंट कम्युनल स्ट्रेंड इन द रिस्पॉन्स ऑफ सम सेक्शंस टू द कोविड-19 चैलेंज। कोविड-19 का जो चैलेंज है हमारे पास में कि हमें इससे उभर कर बाहर आना है, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि काफ़ी सारे ऐसे कम्युनिटीज़ हैं, काफ़ी कम्युनिटीज़ ऐसी है जो ये चैलेंज लेने के लिए इस चैलेंज से तो अपना किनारा ले चुकी है कि हम इस आपके कोविड-19 के इस युद्ध में आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि हमें अदर रिलीजियस या जो कम्युनलिज्म बेसिस कुछ हमें इश्यूज़ क्रिएट करने हैं, है ना। तो उन सबको भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप ये सारी चीज़ें ना करें। द यूएस कमीशन जो है अच्छा, ये स्टेप कब उठाया गया, नरेंद्र मोदी जी ने कब संबोधित करना शुरू किया, जब इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एंड यूएन ने ये कहा कि भई आपके यहाँ जो घटनाएं घटित हो रही है, ये जो कलंक है, जो भारत जो है वो कम्युनिटी बेसिस पे कलंक के रूप में उभर कर आ रहा है, तो इस बात को रिजेक्ट करने के लिए, यहाँ एक्सटर्नल मैटर्स को, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को इंटरनल मैटर के अंदर टॉलरेट ना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो द्वारा देश को संबोधित किया गया। ठीक है, लेकिन बाद में ये नोटिस किया गया कि ऐसा है, द वायरस थ्रेट हैज़ मेड बॉर्डर्स इररिलेवेंट। इस वायरस ने कहीं ना कहीं बॉर्डर्स बना दी है और हमें जो है हमारे अंदर एक भय पैदा कर दिया है। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स पेशेंट्स। इवन ये भी सुनने में, ये भी देखने में आया है कि पिछले दिनों, पिछले कई रिसर्चेस के बेसिस पे बात कही जा रही है कि
काफ़ी पेशेंट्स के साथ भी धार्मिक तौर पे काफ़ी जो है डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव की भावना देखने को मिली। तो सिचुएशन जो है वो बिल्कुल, अगर बात करूँ तो बिल्कुल भारत के कंडीशन से बहुत बाहर जा रही है। ऑफन टॉटेड एज प्रोपोनेंट ऑफ इंडियाज़ इंटरेस्ट इन देयर होस्ट कंट्री वॉज सीन इस्लामोफोबिया इन द यूएई। यूएई के अंदर इस्लामोफोबिया जो भी जो देखने को मिला, वो भी हमारे देश के, मतलब हम कह सकते हैं कि वो ये सारा जो है इंडियन मतलब डायस्पोरा को एक बहुत, मैं कह सकती हूँ एक कलंक की तरह ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। भारत को कलंकित करना चाह रहे हैं हम लोग खुद अपने ही हाथों, ठीक है। तो ये जो मैं कह सकती हूँ कि घिनौनी चीज़ें, ये जो इडियोज, जो घिनौनी जो डिजिटल बिहेवियर भी साथ दे रहा है इन सारी चीज़ों में, रिलीजनिज्म और कम्युनिज्म को स्प्रेड करने के लिए एक बहुत बड़ा जो सपोर्ट करा है वो करा है डिजिटलाइजेशन। मतलब वो सारे क्षेत्र मीडिया, हम टू बी वेरी फ्रेंक, मैं फ्रेंकली कहूँगी कि मीडिया जो कि जो बहुत सारे क्वेश्चन लाके खड़े कर देता है डेली बेसिस पर, ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। बट इन द यूएई द रिस्पॉन्स हैज़ बीन क्विक। लेकिन यूएई में जो ऐसी घटनाएं घटित हुई उसके ऊपर क्विक रिस्पॉन्स लिया गया, ठीक है। काफ़ी लोगों को उनके जॉब से निकाल दिया गया, काफ़ी क्योंकि उनके जो हेटफुल बिहेवियर के कारण काफ़ी को पोस्टिंग कर दी गई, जॉब्स फॉर पोस्टिंग हेटफुल बिहेवियर एंड कंटेंट्स एंड दिस कल्चर इज़ डायट्राइब नाउ लूम्स ओवर अ क्रिटिकल बायलेटरल रिलेशनशिप दैट मिस्टर मोदी हैज़ पर्सनली नर्चर्ड। ओके, सो द इंडियन एम्बेसडर ऑफ द यूए के जो इंडियन एम्बेसडर हैं, रिमाइंडेड एक्सपैरियट्स दैट डिस्क्रिमिनेशन वॉज अगेंस्ट आर मॉरल फैब्रिक एंड द रूल ऑफ लॉ। ये जो इंडियन एम्बेसडर है जो यूएई में काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें ये बात बताई, ये याद दिलाई कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं ये हमारे नैतिक चादर या नैतिक जो हमारा चोला है, ये हमारे जो कानून है उसके किसी के भी खिलाफ है। मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे द्वारा किया जा रहा है हमारे देश में, ये कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन पर, है ना। सो द नैरेटिव ऑफ द पेंडेमिक एज अ कम्युनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द नेशन बिगेन टू टेक शेप इमिजिएटली आफ्टर। अच्छा, ये जो चीज़ शुरू हुई, ये जो नेगेटिविटी शुरू हुई, ये जो पेंडेमिक के दौरान, पेंडेमिक से ध्यान हटकर हमारा जो कम्युनल कॉन्स्पिरेसीज पे गया, ये सब शुरू हुआ इमिजिएटली आफ्टर तबलीगी जमात, है ना। सो ये दिल्ली के अंदर हुआ, जो कि एक सभा थी जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी मार्च में, जो कि आउट ऑफ अ प्रोडिजियस सोर्स ऑफ दी कंटेजीनियस। इट मीन्स कि ये एक पक्षपात या छूत वाली बीमारी होने के कारण एक पक्षपात का रवैया जिसके कि हम लोग अपनाने लगे, और इससे हमने कम्युनलिज्म या रिलीजनिज्म को स्प्रेड करने का काम किया, ठीक है। द सेंट्रल एंड द दिल्ली गवर्नमेंट अपीयर टू बी यूजिंग द अनफॉर्चुनेट एपिसोड स्क्रिप्टेड एज एन बाय एन इररिस्पॉन्सिबल एंड इग्नोरेंट ग्रुप ऑफ फेंड टू ऑफ सॉरी टू फेंड ऑफ स्क्रूटनिटी ऑफ देयर ओन शॉर्ट कमिंग्स। अ सेक्शन ऑफ द मीडिया कंटिन्यूज टू प्ले अ डिसऑनरेबल रोल इन द एम्पलीफाइंग इट। देखिए, सरकार चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये एक्सेप्ट कर चुकी है कहीं ना कहीं कि ये उन्हीं की गलती थी और उनकी कोई कमी ऐसी रह गई जिसके कारण ये सारी घटनाएँ घटित हुई। लेकिन किसी भी देश के अंदर सरकार या इंडिविजुअल द्वारा या किसी भी क्षेत्र द्वारा गलती होने पे मीडिया का यह इस एक डिसऑनरेबल वर्क करना या मीडिया का एक बहुत ही गलत तरीके से उसे प्रोपोगेट करना कहीं ना कहीं एक देश के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, एक देश की कम्युनिटी, सोसाइटी या मॉरल एथिक्स पर सवाल उठाता है, ठीक है। सो द एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट मैसेजिंग हैज़ लेड टू स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज। देखिए, ये पेशेंट्स को और फैमिलीज को कलंकित करने का कार्य किया गया है। सो डिस्पिसेबल इनसिविलिटी टुवर्ड्स इवन द बॉडीज ऑफ अनफॉर्चुनेट विक्टिम्स, ऑल दिस मेक द प्राइम मिनिस्टर्स स्टेटमेंट टाइमली। लेकिन ये सब घटनाएं घटित होते हुए, ये जो ये कटुता देखने को मिली लोगों के अंदर,
ये इन सब चीज़ों को फैमिलीज़ या पेशेंट्स के बीच में या अलग जो बॉडी सोशल बॉडीज़ के बीच में जो हमें कटुता देखने को मिली, कटुता सामने आई, उन सब के रहते प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिया गया ये संबोधन कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है कि देश या सरकार की जो नज़र है वो देश के हर तबके की तरफ है। हिज कॉल फॉर यूनिटी इन द फेस ऑफ दिस कैलमिटी, ये जो आपदा हम अभी झेल रहे हैं, ये जो जिस पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, इसके तहत हमें अभी एट प्रेजेंट यूनिटी शो करने की ज़रूरत है, ना कि इस तरह के एक्शंस करने की, ठीक है। एंड अ गुड प्लेस टू बिगिन इज़ द गवर्नमेंट्स ओन मैसेजिंग, और ये एक बहुत अच्छा संकेत माना गया प्राइम मिनिस्टर द्वारा, खुद सरकार द्वारा, खुद द्वारा इस तरह का मैसेज देना एक बहुत एक अच्छी सरकार का या एक अच्छे राजतंत्र का सूचक माना जाता है, ठीक है। सो थैंक्स टू मिस्टर नरेंद्र मोदी सर कि उन्होंने बहुत जो है रेस्पेक्टफुली इस देश की जनता को संबोधित करने का कार्य किया, और ये मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये कार्य करेगा, क्योंकि हम वास्तविकता में भूल गए हैं कि हम किस पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं और किस तरह की घटनाएं घटित हो सकती है ना। सो नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी आपको। एक्सप्लॉइटिंग अ पेंडेमिक, देखिए ये जो न्यूज़ है ये ट्रम्प्स के पॉलिसी जो उसने अभी रिसेंटली ट्रम्प ने एक पॉलिसी को बताया है, इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ इमिग्रेशन पॉलिसी। उसने कहा कि हम एक इमिग्रेशन पॉलिसी को अपनाएंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैंपेन, अच्छा उनका ये जो उनका स्टेटमेंट था इमिग्रेशन पॉलिसी पर बेस्ड, उसके आधार पर सब लोगों का ध्यान, पूरे विश्व स्तर पे जो ध्यान है लोगों का, कंट्रीज़ का या लोगों का, वो उनके स्टेटमेंट इमिग्रेशन पॉलिसी से हटकर उनके पेंडेमिक के दौर में ऐसा स्टेटमेंट देने पर टिक गया है ना। देखिए मैं बता देती हूँ, इन शॉर्ट डिस्कस कर लेती हूँ आपसे कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया है कि हम लोग अगले 60 दिन के लिए जो है पॉलिसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब सस्पेंड करेंगे हम किसी को भी एंट्री को, एग्जीक्यूटिव और एंट्री को सस्पेंड कर देंगे, बिकॉज आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है अभी, और आने वाले टाइम में और भी बुरे हालात हो सकते हैं, उसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इमिग्रेशन पॉलिसी को फॉलो करेंगे। मतलब हम देश में जो आवागमन को प्रति हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर निषेध कर देंगे, क्योंकि हम एट प्रेजेंट आउटर जो लोग हैं, जो भी बाहरी देश के लोग हैं, उन्हें पे करने की कंडीशन में नहीं है, तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन लो है। अगर हम खुद के ही देश के लोगों को पे करेंगे तो इससे हमारा जो GNP या GDP जो है वो इंक्रीज़ होगा। हम दूसरे देश को पे कर नहीं कर सकते, या दूसरे देश के लोगों को या माइग्रेंट्स को पे करने की कंडीशन में नहीं है, ठीक है। और इस पॉलिसी को अपनाने के लिए इनका इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन क्या ये किसी भी हद पर मतलब एक सही डिसीज़न है, बजाय इसके कि आप पेंडेमिक से रिलेटेड कुछ अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ये जो एक डिसीज़न लिया गया है ये किस हद तक रिलेवेंट है, ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में पॉलिसीज़ के ऊपर पता चलेगी कि ये पॉलिसी कब लागू होती है और इससे अमेरिका को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, उसकी इकोनॉमी को क्या फ़ायदा हो रहा है, ये सारी चीज़ें आने वाले दौर में पता चलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है द स्टे विलेज इज स्टील रिलेवेंट, स्टिल रिलेवेंट। देखिए एक टाइम आ चुका है जिस समय हम लोग खुद, अभी हमने देखा यूपी के जो माइग्रेंट्स थे जो दिल्ली में रहकर जॉब कर रहे हैं, सालों से रह रहे हैं वो वहाँ पे, लेकिन वो उन बस्तियों में भी खुद को मतलब बिल्कुल सेफ नहीं पाते हैं, वो नहीं, उन्हें लगता है कि यहाँ से ज़्यादा सेफ हम अपने होम टाउन में हैं, हम अपने गांवों में हैं, हम अपने विलेजेस में हैं जहाँ हमारे खुद के घर हैं, वो अपने आप को वहाँ सेफ पा रहे हैं। तो क्या कारण है कि वो पिछले कई सालों से वहाँ पे रह रहे हैं दिल्ली में, क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी जो 1990 का जो एक्ट आया था या ऑर्डिनेंस आया था हम कह सकते हैं, तो उसके तहत जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया गया, उसके द्वारा हमने मैक्सिमम लेवल पे ये स्प्रेड करने की कोशिश की, या एक र्यूमर स्प्रेड हुआ लोगों के अंदर कि जितना हो सकता है शहरों में अर्बनाइजेशन का एक दौर शुरू हुआ। इसके तहत अर्बनाइजेशन को फीचर किया गया जिसमें ये बताया गया कि अर्बनाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ,
जो कि दो इम्पॉर्टेंट मापदंड है हमारे जीवन के, उन दोनों के लिए अर्गनाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, अर्गनाइजेशन के थ्रू लोगों को प्रेरित किया गया कि वो गांव छोड़ के शहरों में आना उचित समझे। अच्छा, जो लोग गांवों में रह रहे हैं और जिनको जॉब या मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है, वो डेफिनेटली अपने अर्बन शहरों की तरफ आएंगे, निकटवर्ती शहरों की तरफ। तो उससे क्या हो रहा है, गांवों के अंदर यंग पीपल्स की पॉपुलेशन कम हो रही है। जो यंग लोग हैं, जो हम कह सकते हैं युवा पीढ़ी है, गांवों में देखने को नहीं मिलती। तो वहाँ पे कार्य नहीं हो रहा, खेती से संबंधित कार्य रुक गया। हमारी, आप देख सकते हैं, जहाँ हमारी पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, वो अब तो पूरी तरीके से रिवर्स होती चली जा रही है और बहुत बुरी कंडीशन में हम एग्रीकल्चरल जो है शो कर रहे हैं अपना डेटा। तो इस सब के चलते क्या सीख लेनी चाहिए हमें, कि क्या आज भी गांव रिलेवेंट है हमारे लिए या अभी भी? अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो क्यों इतने सारे माइग्रेंट्स हज़ारों मील तक पैदल चलना मंजूर है? इस पेंडेमिक के दौर में हमें सोशल डिस्टेंसिंग को ना फॉलो करना मंजूर है, लेकिन हमारे गांव जाकर रहना मंजूर है। ऐसा क्यों है? क्यों हम वहाँ के लिए अपने आप को सेफ समझ रहे हैं? वही इस डिबेट में, इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि आज भी गांवों के अंदर क्या गांव को, गांव के रहन सहन को फ्लोरिश होने का अधिकार नहीं है? अगर ऐसा है तो क्यों हम गांवों को अभी भी बेयर करें? क्यों हम हर जगह पे अर्बनाइजेशन नहीं कर देते? तो देखिए, गांव भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट, ये जो क्राइसिस है ये हमारे सामने ये लेकर आए हैं कि गांवों को भी फ्लोरिश होने का पूरा अधिकार है, गांवों को भी पूरी तरीके से आगे के लिए तैयार करने का टाइम आ चुका है। मतलब अब ये टाइम है जिसके अंदर हम जब ये समझ चुके हैं कि हमारे लिए गांवों की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी शहरों की, तब अब हमें ये ज़रूरत है कि हम एक बैलेंस बनाएं, एक विजिबिलिटी लेकर आएं गांवों और शहरों के बीच में। हम जो एजुकेशनल या हेल्थ केयर सिस्टम, जो गांवों का जो बिल्कुल ठप पड़ा है, उसे बिल्कुल मजबूती की दौर पर लेकर आएं, इस कगार पर ले आएं कि वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो कोई भी पीढ़ी के लोग हों, उन्हें ये लगे कि नहीं, हमें शहर में जाकर कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का गांव संपन्न है। और हमें उसके अंदर, युवा पीढ़ी के अंदर, हमें युवा पीढ़ी को ये समझना होगा कि हम लोग आगे आने वाले टाइम में अपने गाँवों को अगर फ्लोरिश करते हैं, आज जब हम सभी लोग अपने गांवों की तरफ दौड़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? काफ़ी शहरों में रहने वाले करीब 50-60% जनसंख्या ऐसी है जो लॉकडाउन का सुनते ही अपने गांवों की तरफ कूच कर रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उन्हें लगता है कि आज भी हम जहां सिक्योर रहेंगे, सेफ रहेंगे, वो है हमारा गाँव। तो क्यों ना उन गाँवों को फ्लोरिश किया जाए, क्यों वहाँ की संस्कृति को बढ़ाया जाए, क्यों ना वहीं रहकर ये समझा जाए कि हम, हमारे लिए गांव भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना शहर। और एक शहर जो कि ऑलरेडी एक टेक्निकली या लॉजिकली हेल्थ सिस्टम बेसिस पर या एजुकेशनल बेसिस पर ऑलरेडी फ्लोरिश है, उससे फ्लोरिश करने पर वहां जाकर कार्य करने से बेहतर है कि हम अपने गांव में रहकर अपने गांव को फ्लोरिश करें, वहां के एजुकेशनल या हेल्थ केयर सिनेरियो को चेंज करें। और उसके लिए हमें डिफरेंट पॉलिसीज़ को फॉलो करना होगा। ये सारी पॉलिसीज़ तब संभव हो पाएगी जब हम खुद यंगस्टर्स इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो आर्टिकल था, ये कृष्ण कुमार जी का था, ये इसी बारे में बताया गया है कि क्या गांव भी आज भी रिलेवेंट है। तो अगर है, ऐसा है, तो फिर हमें उसको फ्लोरिश करने की, उसके ऊपर कार्य करने की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है अ टाइम फॉर प्लेनेटरी सॉलिडिटी। अब इस आर्टिकल में भी सुजाता जी ने ये बताया है, और सुधीर और सुजाता जी ने बताया ना कि कोशिश की है कि ये जो टाइम है, जो कि लॉकडाउन का टाइम है, ये जो टाइम है जिस समय हम एक पेंडेमिक से, एक वॉर से गुजर रहे हैं, तो उस समय हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि अब देश को, इस प्लैनेट को किस तरीके से सॉलिडेट करना है। इस प्लैनेट को सॉलिडेट करने के लिए क्या प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, क्या स्कीम्स अपनानी चाहिए, किस तरीके से नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम्स को बिल्डअप करना होगा, किस तरीके से कलेक्टिवली वर्क करना होगा, को क्या फंडामेंटल चेंजेस करने की ज़रूरत है, और इस पेंडेमिक के दौर से, इस लॉकडाउन के दौर से हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आज के इस आर्टिकल में बताई गई है। ये एक स्टोरी टाइप्ड आर्टिकल है, या हम कह सकते हैं बिल्कुल ईजीली समझे जाने जैसा आर्टिकल है। तो आप खुद से इसे अंडरस्टैंड करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है देयर मे बी नो गोइंग बैक। अब
देखिए, हम सबको लग रहा है कि थर्ड मे विल बी द लास्ट, फोर्थ मे से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं आपको फिर से बता दूं, पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इस बारे में रिलेटेड आर्टिकल से, पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्थ मे से ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट में, थर्ड मे तक जो है कोरोना रहेगा मार्केट में और फोर्थ मे को बिल्कुल गायब हो जाएगा। ओवरनाइट टैक्स जो आप कह सकते हैं कि कोई भी चेंजेस नहीं बनाए जा सकते किसी भी फील्ड में, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं अगर इस तरह की कोई हरकत, तो ये बिल्कुल हमारी बेवकूफ़ी होगी। ये पॉसिबल है कि ये वापस हम लोग उस नॉर्मलसी के अंदर ना जा पाएँ, उस दौर में ना जा पाएँ। और पॉसिबल क्या, बिल्कुल फैक्ट है कि चाइना से एक सीख लेने की ज़रूरत है कि जो 2 महीने के आइसोलेशन के बाद भी जब वो बाहर निकले, जब वो नॉर्मलसी लाने की कोशिश की गई, तो वापस कोविड स्प्रेड हो गया है ना। और आज भी उसके इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट न्यूज़ में आ रहे हैं कि वुहान में फिर से स्प्रेड हो गया है और एक पर्टिकुलर एरिया में तो मैक्सिमम लेवल पे अगेन डेथ भी स्टार्ट हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इनसे सीखने की ज़रूरत है। ये हमें एक स्नैपशॉट देती है कि यार नॉर्मल सी ऐसे नहीं आती है, नॉर्मल सी आते आते टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमें कुछ सेलेक्टिव मेजर्स को लेकर आगे चलना होगा, हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को लेकर चलना होगा जो हमें ये बताएंगी कि भाई आपको क्या क्या मेजर्स लेकर आगे वर्क करना है। देखिए, इकोनॉमी बिल्कुल ज़ीरो पे जा रही है, तो उसको अपहोल्ड करने के लिए, उसे ऊपर लाने के लिए वी हैव टू वर्क, एंड फॉर दैट वी हैव टू गो ऑफिसेज, वी हैव टू वर्क एज वी वर डूइंग बिफोर द लॉकडाउन पीरियड, और आई कैन से टिल 20th or 21st March, राइट? सो फॉर दैट एंड अगेन टू कम दैट इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, वी हैव टू टेक सम चेंजेस, वी हैव टू कीप दी हेल्थ मेजर्स, वी हैव टू टेक सम ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाइक जिम्स एंड पूल्स एंड सिनेमा हॉल्स, दीज शुड नॉट बी ओपन, एंड सच टाइप ऑफ प्लेसेज वेयर वी आर गोइंग टूगेदर इज शुड नॉट बी ओपन, एंड वी हैव टू टेक दी हेल्थ मेजर्स विथ अस, एंड विथ दैट वी हैव टू फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग एंड कंटिन्यूसली हैंड वॉशिंग, एंड स्पेशली वी डोंट हैव टू ओपन द बार्स, पब्स एंड स्कूल्स एंड ऑल दीज प्लेसेज वेयर द गैदरिंग शुड बी डन, एंड ऑल दीज थिंग्स विल हैपन और री प्रोपोगेट द वायरस और COVID-19। ओके, सो जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो रिलेटेड था COVID-19 से। इसके अलावा हमने ये जो आर्टिकल अभी पहले देखा है वो भी COVID-19 से ही रिलेटेड है कि ये जो टाइम है ये COVID-19 से जो है अपहोल्ड कर, COVID-19 को साइड में रखते हुए, उसके मेजर्स को फॉलो करते हुए हमें एक बेसिक फंडामेंटल चेंजेस लाने की ज़रूरत है, उस पर बेस्ड है ये आर्टिकल जो आप खुद से पढ़ेंगे, बिकॉज इट विल गिव अ बेटर नॉलेज टू यू। एंड देन एक्सप्लॉइटिंग अ पेंडेमिक हमने पढ़ा, जो ट्रंप की पॉलिसी है, US के प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एक रिसेंट पॉलिसी फॉलो की है दैट इज़ ऑफ इमिग्रेशन पॉलिसी, तो उसके बारे में हमने देखा। इसके अलावा द विलेज इज़ स्टिल रिलेवेंट, तो ये टॉपिक भी हमने समझने की कोशिश की। देखिए, मैंने इन टॉपिक्स को आपको ब्रीफली इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि वन बाय वन, लाइन बाय लाइन इज़ नॉट पॉसिबल, एक्सप्लेनेशन इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो मैंने आपको ये सारी चीज़ें उस तरीके से समझाने की कोशिश की है कि अब आप इन टॉपिक्स को अगर एक बार पढ़ते हैं, एक बार आप इसका ओवरव्यू लेते हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू नो एवरीथिंग, बिकॉज हमने जो चीज़ें यहाँ डिस्कस की है वही चीज़ें वहाँ पे उस लैंग्वेज में, उस फॉर्म में लिखी गई है। तो आप बिल्कुल इन सारी चीज़ों को पढ़िए, जिससे कि इन आर्टिकल्स को पढ़िए, जिससे आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो किस हद तक आपके लिए यूज़फुल हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने स्क्रिप्ट ऑफ यूनिटी पढ़ा, यूनिटी जो कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसके बारे में हमने पढ़ा, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का संबोधन था। तो ये सारी चीज़ें आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आज के हमारे न्यूज़पेपर के। सो हमने इन सबको पढ़ा और समझने की कोशिश की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेक्शन पसंद आया है, और अगर कोई इशू है, आपको लग रहा है कि यू नीड टू फ्लोरिश अ लॉट, या आपको और कुछ जानना है मेरी तरफ से, तो आप बिल्कुल, आपकी कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में नोट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसको रिवर्ट करूँगी एंड आई विल वर्क ऑन इट, आर होल टीम ऑफ अचीव IAS विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। सो थैंक्स फॉर बींग विथ मी, दिस वॉज आयुष जोशी, हैव अ ग्रेट डे, विश यू अ वेरी वेरी ग्रेट टाइम अहेड, एंड बिल्कुल स्टे होम रहिए, घर पर रहिए, द
बिल्कुल सेफ रहिए, बिकॉज ये टाइम, और अपने आप को किसी भी तरीके से इंगेज कीजिए और सोचिए कि हम आने वाले टाइम में क्या ऐसी प्रगतिशील चीज़ें, क्योंकि हम जो आर्टिकल्स अभी पढ़ रहे हैं इन दिनों, वो टोटली इन्हीं पर बेस्ड हैं कि इस पेंडेमिक के दौरान हम क्या क्या चीज़ें सरकार कर सकती है और क्या चीज़ें ऐसी है जो हम कर सकते हैं। तो ऐसी पॉलिसीज़ मेकअप कीजिए कि आपको आफ्टर लॉकडाउन किन पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, और सक्सेस पॉलिसीज़ को फॉलो कीजिए। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सो आप घर पे रहिए, पढ़िए, समझिए और बिल्कुल सेफ रहिए। बाय बाय, टेक केयर। दिस वॉज आयुषी जोशी ऑन द चैनल ऑफ अचीव आईएएस।